आपका हॉर्स मचता आगे देखो देखो मेरी कुंगलल देखो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका हॉर्स मचता आगे जो आप ट्रीटमेंट के लिए छत टॉप रूफ जो ये क्या है मुश्ताक भाई? ये थर्मापोल कितने इंच का है? ये 3 इंच है। अच्छा अच्छा, तो ये बताएं कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है, इसके क्या फायदे हैं? ये जो है टॉप रूफ है ना, छत है जी जी, ठीक है ठीक है, कंक्रीट स्लैब के ऊपर रखा जाता है ताकि आपके जो ना हीट को कंट्रोल किया जाए, जो डायरेक्ट आपकी स्लैब है जो गर्म हो जाती है उससे, यानी सिक्योर करने के लिए 3 इंच की लेयर है। हालांकि 1 इंच या 1.5 इंच बहुत है, मगर इन्होंने 3 इंच लेयर लगवा रहे हैं। 8x4 की शीट है जो ये गुलबर की बड़ी साइड है, जो रेनोवेशन साइड हो रही है, पहले साइड बनी है ये, उससे पहले ये इन्होंने जी आप देख रहे हैं जंबो रोल जो कि 1 इंच के ऊपर मुश्तमिल था, ये उन्होंने लगाया है। ये पहले छत है, इसको दोबारा फिर रेनोवेशन करने की वजह से ये दोबारा इन्होंने डिसाइड किया कि 3 इंच की लेयर थर्मापोर की डाली जाए ताकि हीट के लिए कंट्रोल हो। और ये डालने से आपकी जो कंक्रीट की स्लाइप है ना, यकीन लाइफ टाइम तक सिक्योर हो जाती है, आपकी बिल्डिंग की लाइफ भी बढ़ जाती है और सिक्योर हो जाती है। और यकीन आपका आजकल की जो लाइट की वजह से बार बार लाइट जाना या जनरेटर आप चलाते हैं या बिजली का बिल कम आता है, बिजली का बिल कैसे कम होता है, कैसे कम आता है? रूम के बीटीयू है ना उसको सेफ रखता है, ऊपर से इंटरनल एक्सटर्नल जो हीट एक्सटर्नल जो हीट है उसको कंट्रोल करता है। और जो अंदर नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि एसी का इस्तेमाल कम हो जाएगा? एसी का इसलिए इस्तेमाल कम हो जाता है कि आपकी जो ना लाइट जाने की वजह से जो रूम टेम्परेचर है फौरी जो हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से हीटअप हो जाता है पूरा कमरा, आपकी कूलिंग ख़त्म होना शुरू हो जाती है। घंटे बाद बस लाइट आए तो आपका फिर रूम गर्म हो जाता है। फिर दोबारा जब आपका जो एसी चलाया जाता है, एसी चलाने की वजह से 2 से 2.5 घंटे वो प्रॉपर एसी चलता है तो कूलिंग फिर अंदर जो आपके रूम में जमा होती है आपके रूम पीटीयू को पूरा करती है। घरों के अलावा मतलब और किस जगह रेजिडेंशियल कोर्शोर पोल्ट्री अच्छा कंट्रोल शेड वगैरह उन पे यूज होती है। अच्छा, अगर हमारे ऑनलाइन क्लाइंट जो है मंगवाना चाहें तो वो क्या तरीका कार है, आप कैसे उन्हें दे सकते हैं, कैसे आपसे मालूम हासिल कर सकते हैं वो? ये हमारी वेबसाइट है, यूट्यूब पे भी बना चैनल बना है, उस पर आप आए और नंबर लिखा हुआ है डायल करें और हमसे हेल्प आउट चाहिए हेल्प। इसकी डेंसी किस शहर में आप सर्विस देते हैं? ये हम पूरे पंजाब में देते हैं, यहाँ तक हैदराबाद कराची भी जांगछोर वहाँ तक हमारी शीटें गई है। और हमने यानी कि कंट्रोल शेड पोस्ट और रेजिडेंशियलों में इस्तेमाल के लिए कितने इंच के लगवाने चाहिए आमतौर पर? जो कम से कम 2 इंच की थिकनेस होनी चाहिए, क्योंकि आप पैसा खर्च कर रहे हैं और थोड़ा सा ज़्यादा भर लें ताकि आप 2 इंच की थिकनेस में आपको अच्छी यानी कि जो है इसकी कंपेसिटी आपको मिलती है, क्योंकि आप थोड़ा सा पैसा ज़्यादा भरने की वजह से 2 इंच थिकनेस लगवाते हैं तो आपके रूम वीडियो जो है ना सही बेहतरीन रहते हैं, आप जिंदगी भर सुकून में आ जाते हैं। चलें, थैंक यू मुश्ताक भाई, इंशाल्लाह आपका नंबर दे दिया क्लाइंट से, गुजारिश है कि आपसे वो रब्ता करेंगे जिसको भी चाहिए होता है। ठीक है,